आखा सावण ने बाधो मने आपके समाचार में सबका पहला बाबा मंकाल सरकार की सवारी दर्शन कराया। अबे जब माँ भवानी की सवारी निकले तो विकत दर्शन कराना जरूरी, आनी तो पिताजी तो ठेरिया भोलेनाथ। माँ नाराज हुई जाए तो कौन दे साथ। मंकाल राजा के दरबार में 5 दिन से उमा सांझी महोत्सव चली रहो थो। दूजा दिन मने शुक्रवार सांझ माँ भगवती पार्वती मैया पालकी में बिराजीन छिपरा मैया तट पे पहुंची। यहाँ संजय मैया का विसर्जन भी हो, पूजन ने आरती वही सवारी दर्शन पहलो। रेल जाती रही ने रामाजी रात रह जाए की को कहीं जाए तो जाए, अपन तो ऊंच करांगा जो अपना मन के भाई। नाग निकलवा के बाद लकीर के लाठी से बजावा की अदा कणी से सीखनी हुए तो प्रशासन वाला अधिकारी उनसे सीखी लो। मंकाल राजा मंदिर कणे दीवार कई पड़ी इन्ना अबे आकाश शेर की कांच समान दीवार याद आवा लगी की है। बरसात का पहला जो काम निपटानो था वी के अबे अमल में ले रहा है। शुक्रवार नगर निगम वाला भयुन जो बिड़िया तो जोन 1, 2, 3 मकजा कितनी जगह पंजा चले के आई गया। 3 जर्जर मकान उन टपकावक जानकारी सांझ तक आई की थी, और भी कार्रवाई जारी थी। आयुक्त जी कह रहा यह मुहिम चलती रहेगा। देखा आज नगर निगम की टीमें जोन नंबर 2, 3 और 4 में है, जो ग्राउंड भवन चिन्हित थे जिनमें बार बार हम लोग नोटिस भी दे रहे थे, उनको गिराने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कल एक बड़ी बृहद मीटिंग करके हम लोगों ने पूरे जितने ग्राउंड भवन में उनकी सूची में फोटोग्राफ हम लोगों ने तैयार कर ली है। साथ ही साथ कुछ में जो न्यायिक विवाद है या कुछ डिस्प्यूट है उसको भी हम लोग रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कार्रवाई सतत चलेगी। इनका भाई साहब उनका काम की हकीकत देखनी हो तो शुक्रवार सांझ अपना शेर में कालदे का गेट गणे वही एक दुखद घटना के बारे में जानी लो। नवर तक दन चली रहा ने अपना बीच से कन्या रूप की एक देवी काल का गाल में समझ गई। इनकी जो ही ऊपर वाला समीचार में भाई साहब टूटता मकान उनका बारे में बयान दे रहा नहीं, इनकी ने इनकी टीम की लापरवाही के नतीजो कालदे का गेट पे रहे वाला मुस्तफा लोहा वाला की 8 साल की मासूम बिटिया इनसे घराड़ी खेली रही थी। एक का एक एक अवारा टेकड़ो विक पे काटवा का लिए उछलियो, बच्ची समलिन पई ने माथक बल जाए केन पड़ेगी। घर वाला भी झट फ्रीगंज आड़ी का अस्पताल लेकिन भगया, बच्ची जान से जाती रही। उज्जैन में हाल का दंड उनमें टेकड़ा उनकी वजह से या तीजी मौत वही है। ये सगड़ी हत्या उन्हें ना हत्यारा कौन है आपके बतावक जरूरत कौनी। यह घटना वही विकाबाद आखा बोरा समाज वाला बेबेणा उन सड़क पर ही गया। कांग्रेस वाला नरा सारा नेताजी उन भी पहुंची गया। कालदे का गेट कने जाम लगाई दियो पर विषय हो जाए कई जिम्मेदार फिर लकीर पिटवा लगी जाएगा। जैसा जर्जर मकान उनका मामला में करियो ने विकाबाद बीच डाक का 3 पात। देखो भैया हूँ लाग लपेट नहीं करूँ, सही तो सही ना गलत तो गलत। सीधी बात बताऊ नहीं तो अधिकारी उनमें सरकार नाम को खोप खत्म हो गयो, जिकी जहाँ मर्जी पड़ी रही वहाँ चली रही। मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का गिरे जिला की गटिया तहसील वालों युवक समीचार देखी लो। ये जो आप गोदाम में धरी बोरियां उन देखी रहे हो नी, ये पोषण आहार की बोरियां है। जच्चा उनके आंगनवाड़ी वाली बच्चा उनके बाल्टवा को पोषण आहार वीडियो में बोरियां उन पर रेंगता कीड़ा उन भी साफ दिखी रहा होगा। आखा गटिया वाला क्षेत्र में 14,493 बच्चा ने कोई 2,500 जच्चा उनके यो मकोड़ा वाला पोषण आहार बटी रहा है। वीडियो मीडिया वाला भाई उन सामने लाया देखते ज फौरन कार्रवाई होनी थी। अरे मौका मुआयने तो हुई जाना थो, इका उलट एडीएम साहब अलग अज राग अलापी रहा है। कोई रख वरिष्ठ कार्यालय को सूचित करांगा जब तक तो सगड़ो मामला आए वहीं हुई जाए। बताओ ये हाल है, सही बोले मन सरकार को जरा भी खोफ नहीं है। आपके माध्यम से ही अभी ये संज्ञान में लाया गया और
जो वीडियो आपने दिखाया उसमें निश्चित रूप से कीड़े दिख रहे हैं, तो इसकी जांच के लिए मैं तहसीलदार को पत्र लिख रहा हूँ और इसको जांच में यदि सही रहा तो ठीक, अन्यथा उसको वितरण से तुरंत रोक देंगे। एक समाचार काल को पण विके आपके बताना जरूरी है। काले चिमनगंज मंडी वाला क्षेत्र की राज रायल कॉलोनी का माँ एक लोचो वही गयो थो। कॉलोनी में रहे वाला सगड़ा भाई बिना उन मिली के कॉलोनी मंदिर का माँ माता जी घट स्थापना करना चाह रहा था। कॉलोनी का दूजा एक गुट वाला उनने इको विरोध करियो। इका बाद वही तनातनी, इका बाद घट स्थापना वाला सगड़ा मिली के चिमनगंज मंडी थाना गया, SDM से परमिशन लाया, गाजा बाजा के साथ माता जी बिठाई। घट स्थापना बिघन डालवा वाला कौन था विंड का बारा में अधिकारी उनके हलसेज पतो कर लेना चाहिए। यूं हम जो खाली अलाराम आयो है चेतने को। कोतवाली थाना वाला भयुन ने मिली के मिल्कीपुरा वाला एक छोरा के कई क्या वो नवी तरह को ड्रग्स चलियो ने MD विके खेप का साथ धरियो। काले सांस से थाना माँ विकी पूजन पत्री चली रही है, कागजी लिखा पड़ी हो जाए विका बाद नाम भी खुलेगा वी भी धराएगा जो नवी पीढ़ी उनके बिगाड़वा खातर यो नवो चोचलो यहाँ उज्जैन में लेके आया है। गयागंज शिवपुरी की अनाज मंडी माँ एक कोई ट्रांसपोर्ट माफिया के लोग उनने मिली के वहाँ मंडी वाला कर्मचारी उनके साथ खूब मारपीट करी थी। आनी घटना के बाद से आखा प्रदेश में मंडी वाला कर्मचारी उन सरकार से नाराज चली रहा है। शुक्रवार महितपुर मंडी के माँ सगला मंडी कर्मचारी उन बेला हुआ ने SDM कने पहुंचा। यहाँ पहुंचे मांग धरी मंडी उनमें सुरक्षा बढ़ाओ ने जिनने यो कांड करियो है। विनकी बैंड अच्छे तरीके से बजाओ। टोल नाका पर रोक कर एक वाहन को रोका गया एवं उससे पूछताछ की गई जो बिना अनुज्ञा के परिवहन किया जा रहा था, जिसमें ड्राइवर द्वारा अभद्रता की गई। उसके साथ हमारे साथी विकास शर्मा जो सहायक निरीक्षक थे संभागीय उड़न दस्ता दल के, उनके द्वारा अभद्रता की गई ड्राइवर द्वारा एवं ट्रांसपोर्टर को बुलाया गया। ट्रांसपोर्टर के द्वारा आने पर हमारे साथी विकास शर्मा के मारपीट की गई एवं कुर्सी एवं पत्थरों से बहुत बुरी तरह मारा गया, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध भी है। इस संबंध में हमारे SDM साहब को ज्ञापन दिया गया। सिंगत आवाज पहला कान नदी छिपरा जी से अलग करना है। कोई 600-700 करोड़ रुपया वाली क्लोज डक परियोजना काम तो नारादन पहला चल्लू ही गयो थो, पर बरसात की वजह से एक में विघन पड़ी रहो थो। अब मौसम खुली गयो जमालपुरा आड़ी से पाछो आड़ी परियोजना काम तेजी शुरू हो गयो। यूं तो कंपनी कई 42 महीना मिलिया पर यही चाह रहा क्या आती बारिश तक आधो काम तो खींचे जाए। इसका अनुबंध मार्च में होने के बाद अभी बारिश के बाद वापस से कार्य शुरू कर दिया गया है। कार्य तेजी गति से चल रहा है, 42 माह की समय सीमा है और इसको जून 27 तक खत्म करने के लिए तेज गति से कार्य करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसमें हमको किसानों का और सभी का इसमें पूरा सहयोग मिल रहा है और कार्य तेजी गति से चल रहा है। चलो साहब अब आज का मंडी वाला भाव देखिला। उज्जैन मंडी में शुक्रवार सोयाबीन की आवक बढ़ेगी। आज तो मंडी में कोई 9,000 बोरी की आवक थी। सोयाबीन का भाव 2208 से लेकर 4700 के बीच में रहा। गेहूं की 5335 बोरी की आवक थी। गेहूं का भाव 2300 से लेकर 3400 के बीच में रहा है। काबली चना का भाव 4200 से लेकर 12,700 रुपया, बड़ा चना का भाव 7201 से लेकर 7800 रुपया, उड़द का भाव 4701 से लेकर 6150 रुपया। उज्जैन मंडी में आलू की 700 कट्टा की आवक थी। आलू भाव 1100 से लेकर 2700 के बीच में, मॉडल भाव 2000 का रिया है। प्याज की 7000 कट्टा की आवक थी। प्याज का भाव 1400 से लेकर 4300 रुपया, मॉडल भाव 3300 का रिया है। लहसन की 1450 कट्टा की आवक थी। लहसन का भाव 8500 से लेकर 27500 के बीच में, मॉडल भाव 18000 का रिया है।